गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज किरण। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सीट एक्सेप्टेंस फी ऑलरेडी पे कर दिया है, तो फिर पार्शियल एडमिशन फी क्यों पे करना है। तो सबसे पहले बता देती हूँ कि पार्शियल एडमिशन फी पे करना कंपलसरी है एनआईटी प्लस सिस्टम वालों के लिए। पार्शियल एडमिशन फी आईआईटी वालों को नहीं पे करना है। आईआईटी वालों ने सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिया है, अब वो लोग एलोटेड कॉलेज के वेबसाइट में जाके चेक करें कि फर्दर एडमिशन प्रोसेस क्या होगा। उनका अब जोसा से कोई रोल नहीं है। उन्होंने अगर अलॉटमेंट लेटर, सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिया है, सीट एक्सेप्टेंस लेटर डाउनलोड कर लिया है, तो सीधे अब अलॉटेड कॉलेज के वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहे फर्दर प्रोसेस के लिए। जोसा में चेक ना करे कुछ भी आप। आईआईटी कैंडिडेट्स ने सीट एक्सेप्टेंस लेटर एंड सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं किया है तो राउंड 6 में वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बस इतना ही काम है, तुम लोग को सिर्फ लेटर लेना है और जाके अलॉटेड कॉलेज के वेबसाइट में नोटिफिकेशन चेक करना है एडमिशन से रिलेटेड। या तो तुम्हारा जो आईआईटी है वो तुम्हें अलग से मेल कर देगा एडमिशन प्रोसेस के लिए। आईआईटी वालों को 20th से 24 नवंबर के बीच जोसा पोर्टल में फी पे नहीं करना है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गया है। इस वीडियो में मैं तुम लोग के सारे कंफ्यूजन दूर करती हूँ कि पार्शियल एडमिशन फी क्यों पे कर रहे हो। हम लोग यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस फी की बात करें तो उसके लिए मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। तो उसमें सबसे पहले मैंने मेंशन किया है, यू गॉट द सीट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड टू एक्सेप्ट दिस सीट यू पेड सीट एक्सेप्टेंस फी ड्यूरिंग योर फर्स्ट ऑनलाइन रिपोर्टिंग। तो देखो, जब भी तुम्हें पहली बार सीट मिली थी तो तुम्हारा वो फर्स्ट ऑनलाइन रिपोर्टिंग हुआ और उस समय तुम लोग ने सीट एक्सेप्टेंस फी पे किया था टू एक्सेप्ट दैट सीट। और जैसे ही तुम लोगों ने वो सीट एक्सेप्टेंस फी पे किया, तुम लोग का वेरिफिकेशन के लिए चला गया एंड जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, वेरीफाई हो गया, तो वो जो अलॉटेड सीट था वो तुम्हारे लिए रिजर्व हो गया तब तक जब तक तुम्हारा कोई अपग्रेड ना हो या तुम विड्रॉ के लिए ऑप्शन चूज ना करो। तो सीट एक्सेप्टेंस फी पे करने का यही मतलब था कि जो भी सीट तुमको अलॉट होगी किसी भी राउंड में, तुम उसको एक्सेप्ट करते जाओगी अकॉर्डिंग टू योर विलिंगनेस। तो अब हम लोग पार्शियल एडमिशन फी की बात करते हैं। पार्शियल एडमिशन फी तुम लोग को पता ही होगा कि कब पे करना है। अकॉर्डिंग टू जोसा नोटिफिकेशन, तुम लोग को पार्शियल एडमिशन फी 20th से 24 नवंबर के बीच पे करना है। ये भी जोसा पोर्टल में ही पे करना है। इसमें सबसे पहले पॉइंट मैंने लिखा है, वंस राउंड 6 इज ओवर एनआईटी प्लस सिस्टम विल गो फॉर सीसैप स्पेशल राउंड। तो ये तो तुम लोग को पता ही है, जो समय सिर्फ राउंड 1 से लेकर राउंड 6 तक ही होता है और एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए सीसैप का स्पेशल राउंड होता है, 2 राउंड्स होते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे मैंने लिखा है, जोसा नीड्स टू प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ ऑल वैकेंट सीट्स टू सीसैप सो दैट सीसैप कैन स्टार्ट सीसैप स्पेशल राउंड। देखो, जोसा का काम था राउंड 1 से लेकर राउंड 6 तक सीट अलॉटमेंट करना आईआईटी वालों के लिए एंड आईआईटी प्लस सिस्टम वालों के लिए। तो आईआईटी वालों को तो राउंड 6 तक ही पार्टिसिपेट करना था। जो एनआईटी प्लस सिस्टम वाले कैंडिडेट है उनको सीसैप में पार्टिसिपेट करना है, लेकिन उनके लिए तो कोई ना कोई वैकेंट सीट होनी चाहिए ना उनको एलोकेट होने के लिए। तो ये सब कहाँ से मिलेगा? तो ये प्रोवाइड करेगा जोसा, और जोसा कैसे प्रोवाइड करेगा उसके लिए वो प्रोसेस ये सब अपनाता है। 24 नवंबर के बीच जितने भी एनआईटी प्लस सिस्टम के कैंडिडेट हैं, जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर जो लोग जोसा सीट राउंड में फर्दर बढ़ना चाहते हैं, उनको पार्शियल एडमिशन फी पे करना होगा टू सिक्योर देयर सीट बाय पेइंग पार्शियल एडमिशन फी। पार्शियल एडमिशन फी कंपल्सरी है एनआईटी प्लस सिस्टम वालों के लिए अगर तुम एडमिशन लेना चाहते हो। तो सीट एक्सेप्टेंस फी और पार्शियल एडमिशन फी पे करने के बाद जोसा को पता चल जाता है, 100% कंफर्मेशन मिल जाता है कि जो कैंडिडेट है वो एडमिशन लेने वाला है, 100% लेने वाला है। रेयर केस होगा कि कैंडिडेट एडमिशन ना ले। सपोज करो पार्शियल एडमिशन फी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, सिर्फ सीट एक्सेप्टेंस फी का कॉन्सेप्ट होता है एनआईटी प्लस सिस्टम वालों के लिए, तो तुम लोग को तो पता ही है सीट एक्सेप्टेंस जो फी है वो 35K है या फिर 15K है। तो अगर तुम लोग को रिफंड भी मिलता तो 33K या फिर 13K रिफंड मिलता। लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं तो उनको 33K या फिर 13K से मतलब नहीं है, वो लोग लास्ट राउंड तक जाते हैं और उनका मन करता है एडमिशन लेने का तो ले लेते हैं, नहीं मन करता है तो उनको रिफंड से कोई मतलब नहीं है, उनके लिए 13K और 33K कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जितना भी सीट वैकेंट रह जाएगा वो सारा सीट सीसैप को नहीं जा पाएगा। और अगर ये सारे सीट जोसा से सीसैप तक नहीं गए काउंसलिंग के लिए तो उस साल के वो सारे सीट खाली रह जाते हैं, और उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए अगर 10 सीट भी खाली रह गए तो वो फाइनेंशियली भी लॉस है और स्टूडेंट को भी लॉस है, भी वो सीट्स किसी निडी कैंडिडेट्स को मिल जाता तो लॉस है, कॉलेज को भी लॉस है और कैंडिडेट्स को भी लॉस है। तो ऐसे सिचुएशन को संभालने के लिए जोसा ने एक्सेप्टेंस फी और पार्शियल एडमिशन फी का कॉन्सेप्ट लाया है।
देखो जैसे ही स्टूडेंट कंफर्मेशन दे देता है, जोसा कैन लिस्ट आउट ऑल द वैकेंट सीट्स फॉर सीसैप स्पेशल राउंड, और करेक्ट नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स सीसैप स्पेशल राउंड के लिए अवेलेबल कराया जाता है जोसा के थ्रू। तो अभी भी अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई बैक एज सून एज पॉसिबल। इस वीडियो के लिए बस इतना ही था, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।